नमस्कार, एशियन 24 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ रेलवे कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस रूट से कोयले की आपूर्ति भी शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें, इस लाइन में विगत 2 वर्षों से कारी छापर तक मालवाहक ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जहां से प्रतिदिन कोयले का परिवहन किया जा रहा है। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में यहां पैसेंजर ट्रेन चलेगी और इसकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी। इधर रायगढ़ जिले के कलेक्टर भीम सिंह खरसिया से धर्मजयगढ़ रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें, कलेक्टर भीम सिंह ने रेलवे में सवार होकर धर्मजयगढ़ तक सफर कर रेलवे कॉरिडोर का इंस्पेक्शन किया। कलेक्टर भीम सिंह ने धर्मजयगढ़ रेलवे इंस्पेक्शन के दौरान बातें की और बताया कि खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच का सफर का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और प्राकृतिक सुंदर दृश्य भी इस सफर के दौरान देखने को मिले हैं। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि इस रूट पर यात्री सेवा की शुरुआत की जाए, जिस पर इस रूट का इंस्पेक्शन किया गया और जल्द इस पर आगे कार्य किया जाएगा। खरसिया से कारी छापर होते हुए धर्मजयगढ़ आज जो कोन वाली जो ट्रेन है, इसमें यहाँ पर अभी कोयले की जो ट्रांसपोर्टिंग पहले से ही चालू है, तकरीबन 1 साल पहले से। अभी इसके लिए पत्र लिखा जाएगा SSCR को, ताकि यहाँ पर 3-4 महीने बाद जो सर्वे है होने के बाद पैसेंजर ट्रेन भी चालू की जा सके। धर्मजयगढ़ क्षेत्र काफ़ी दूर है रायगढ़ शहर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा, तो इसके बारे में उचित पहल की जाएगी रेलवे वालों के साथ मिलकर। अभी जो सर्वे वाला काम है उसको एक्सपेरेट करने के लिए बताया जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। आज मैं इस रास्ते पर आया हूँ, काफ़ी सुंदर रास्ता है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में धर्मजयगढ़ क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। खबरें और भी है, देखते रहिए आप SCN 24। नमस्कार।